મંત્રાલયની વહેંચણી બાદ આજથી મોદી સરકાર 3.0 ફૂલ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. અમિત શાહે ગૃહ મંત્રાલયની જવાબદારી સંભાળી લીધી છે. જેપી નડ્ડા, ડોક્ટર એસ જયશંકર, અશ્વિની વૈષ્ણવ, ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને કીર્તિ વર્ધન સહિત કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ આજથી ફાળવેલા મંત્રાલયમાં ચાર્જ સંભાળ્યો છે. આ ઉપરાંત મનોહરલાલ ખટ્ટર, કિરણ રિજિજુ, ગિરિરાજસિંહ, ચિરાગ પાસવાન તેમજ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જયંત ચૌધરી, ડોક્ટર જીતેન્દ્રસિંહ અને જીતન પ્રસાદે તેમના ફાળવેલા મંત્રાલયમાં કમાન સંભાળી છે. નોંધનીય છે કે ગઈકાલે કેબિનેટની બેઠક બાદ મંત્રાલય ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જે મુજબ મોદી સરકાર 3.0માં કુલ મંત્રીઓની સંખ્યા 72 હશે, જેમાંથી 30 મંત્રીઓ કેબિનેટનો ભાગ હશે. આ સિવાય 5 મંત્રીઓને સ્વતંત્ર હવાલો અપાયો છે, સાથે જ 36 સાંસદોને રાજ્યકક્ષાનું મંત્રી પદ આપવામાં આવ્યું છે. જીને ભારત કી આર્થિક તાકત કો 11વે સ્થાન સે 5વે સ્થાન પે લાએ, જન જન કે જીવન મે એક બહોત બડા ચેન્જ લાએ, इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें. आई रियली डीम इट अ मैटर ऑफ ग्रेट सैटिस्फैक्शन दैट इन द लास्ट डेकेड दिस मिनिस्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम अ वेरी पीपल सेंट्रिक मिनिस्ट्री. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad. ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है. कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके. पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें प्रदान करी है. इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा. हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है. तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है. इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सान्निध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें.